यादव की बिजनौर में चुनावी सभा, जमकर भाजपा पर साधा निशाना। हाथरस पहुंचे मायावती के भतीजा का आशानंद, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा धन्ना सेठों के पैसे से नहीं चलती बसपा। लखीमपुर में पुलिस कस्टडी में दलित की मौत, परिजनों ने पीट कर हत्या करने का लगाया आरोप। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, फार्मासिस्ट पर गलत दवा देने का आरोप। हरदोई में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बिजनौर के नहटौर पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि आप सबसे सपा गठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार के लिए वोट मांगने आया हूं। वही बेरोजगारी पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जो सपना दिखाया है कि हम सबसे आगे हैं, आज नौजवान हताश हो गया है, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और इस पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद हाथरस पहुंचे। मंच पर उनका पार्टी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। आकाश आनंद ने भी जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान आकाश आनंद ने कहा कि बसपा अकेली ऐसी पार्टी है जो धन्ना सेठों के पैसे से नहीं चलती। कुछ बहरूपीये आपके बीच में आएंगे और तरह तरह की अफवाह फैलाएंगे, इनसे सावधान रहना है। आकाश आनंद ने शिक्षा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। लखीमपुर खीरी में हत्या के मामले में पूछताछ के लिए थाना मितौली लाए गए 50 वर्षीय दलित ग्रामीण की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। वहीं घटना के बाद से ग्रामीणों में भारी रोष है। शव को सड़क पर जाम रखकर जाम लगा दिया था, करीब 6 घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहा। खबर हमीरपुर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। दरअसल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विदोखार में आंख के मरीज को ईयर ड्रॉप दिया गया है, जिसके चलते इन्फेक्शन से बच्ची की हालत गंभीर है। वहीं मरीज के भाई ने डॉक्टर और फार्मासिस्ट पर आरोप लगाते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में मरीज के भाई ने फार्मासिस्ट अरविंद कुमार और डॉक्टर राहुल खरे पर गलत दवा देने का आरोप लगाया है। खबर हरदोई से है, जहां कछौना पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने मौके से एक बंदूक, 5 अधबने तमंचे और असलहे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गढ़ी कमालपुर के जंगल में अवैध असलहा फैक्ट्री चल रही थी। खबर बदायूं से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि चुनाव के दौरान अलग अलग जगह चल रही 2 अवैध असलाह फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। साथ ही दोनों जगह से एक एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना अल्लापुर की पुलिस ने इनको मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में ग्राम हसनपुर के पास एक अमरूद का बाग है, वहाँ कुछ लोगों के द्वारा असलाह फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जहाँ अवैध असलहे बनाए जा रहे हैं। सूचना पुख्ता थी, तत्काल थाने की फोर्स वहाँ मौके पहुँची और वहाँ पे जब दबिश दी गई तो एक व्यक्ति जो मोहम्मद शोबी के नाम से है और ककराला का रहने वाला है, इसको मौके से गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध 5 या 6 मुकदमे हैं, जिसमें से 3 मुकदमे आर्म्स एक्ट के हैं, बाकी मुकदमे अन्य धाराओं के हैं। थाना बहराइच की पुलिस ने एसपी वृंदा शुक्ला के निर्देशन में बिछड़ चुके परिवारों को मिलाने में सराहनीय कार्यक्रम किया। परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से काउंसलर फहीम किदवई और सरजीत सिंह की टीम ने विभिन्न कारणों से अलग हुए तकरीबन 120 परिवारों को मिलाकर एक साथ रहने के लिए सहमत किया। वहीं 291 मामलों का निस्तारण भी किया गया। आपसी कलह की वजह से अलग हो चुके दंपतियों को एकजुट कराने में पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है। आज एसपी ने सभी परिवारों को पुरस्कृत कर एक साथ रहने की बधाई दी। जी, जब जनवरी में मैंने यहाँ बहराइच में ज्वाइन किया था तो देखा कि प्रतिदिन जनता दर्शन में कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं घरेलू हिंसा और पारिवारिक कलह की शिकायतें लेके आ रही हैं। पुरानी भी पेंडेंसी लगभग 550 केसेस की चल रही है और परिवार परामर्श केंद्र सप्ताह में सिर्फ एक दिन पेश है, तो एक नए परिवार परामर्श केंद्र का गठन पुलिस ऑफिस में भी किया गया जो 7 दिन क्रियाशील रहता है और प्रतिदिन लगभग 7 से 8 केसेस का निस्तारण उसमें होता है। तो पिछले 3 माह में इनको बहुत बड़ी सफलता मिली, बिल्कुल हैंडपिक टीम थी जिन्होंने 3 महीने में लगभग 300 प्रकरणों का निस्तारण कराया है।
और जो बिना FIR के या तो समझौता हो गया है या आपसी लेन देन के बाद उसमें सेटलमेंट हो गया है, तो उसी को और प्रोत्साहन देने के लिए और उसमें बधाई देने के लिए आज चैत्र नवरात्रि के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें कई दंपतियों को बुलाया गया जिनका सफलतापूर्वक सुलह हुआ है, उन्हें एक छोटी सी भेंट बहराइच पुलिस की ओर से दी गई है। और इसी के साथ जो पुलिसकर्मी और जो प्राइवेट सोशल वर्कर्स हमारे परिवार परामर्श केंद्र में कार्यरत हैं उनको भी सम्मान। मेरा नाम पूरी राजनी है और मेरे हस्बैंड के साथ में बहुत अच्छा परिवार हो रहा है। मेरे मैम ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे और हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, हमारे कोई परिवार में कोई आदनाबंदी नहीं हो रही है और हम लोग सब अच्छे से रह रहे हैं। जो है विवाद होता रहे, मेरे पास कर रहे थे, मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे थे, मेरे मायके में नहीं आने दे रहे, अब वो सब चल रहा है। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? जी, यही मैम के पास किया था। तो आज क्या हुआ है? अब बात सही चल रही है। खबर बांदा से है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने उसके साथियों पर सुनियोजित ढंग से हत्या करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा मृतक के परिजनों ने साथियों पर घर से जबरन ले जाने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। जब मैं शाम के आया हूँ करीब 5 बजे दुकान से, तो ऑटो वाला एक कॉलोनी का सलमान इसको जबरदस्ती लेके गया, तो हमने कहा दोस्त लेके जा रहा है, उसके बाद जब इसको आया तो बगैर कपड़ों के लेके आया, मुंह से पिचकुल फेंक दिया था इसने। क्या कुछ शंका है? शंका ये है कुछ खिलाया पिलाया गया है। कहाँ लिवा गया था इसको? नहीं मालूम कहाँ लेके गया है। कितने बजे करीब ले गया था? ये लेके गया करीब 5:30 के बीच में। उसके बाद खाला से हमारे पानी मांगा है तो पानी भी नहीं पीने दिया, जबरदस्ती घाट पर घसीट के लेके आएगा। जब मैं गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया, जहां मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगने से वो घायल हो गया जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। बता दें कि शालीमार गार्डन पुलिस चौकी के पास जब चेकिंग कर रही थी तभी संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, उन्हें रोकने का इशारा दिया गया तो वो दिल्ली रोड की तरफ तेजी से भागने लगे। पुलिस टीम ने जब पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हुमायूंपुर उत्तरी के रहने वाले डॉक्टर एके सिंह की पत्नी और बच्चे पर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हमलावर आरोपी का नाम रोहन सिंह है, जो 10 साल पहले यहीं पर कंपाउंडर का काम कर चुका है। फिलहाल गोरखनाथ पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में लगी है। ईद के मौके पर नदरई क्षेत्र स्थित हजारा नहर में नहाते वक्त डूबे सभी 5 किशोरों के शवों को बरामद कर लिया गया है। 2 शवों को शुक्रवार को नहर से बरामद किया गया जबकि 3 शव आज बरामद किए गए हैं। नहर से सभी 5 शवों को बाहर आते ही पीड़ित परिजनों में कोहराम मच गया, पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखीमपुर खीरी में पति ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला लखीमपुर खीरी के गांव का है, जहां हत्या आरोपी ने अपनी पत्नी को अज्ञात कारणों के चलते फावड़े से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि हत्या आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, कुछ महीने पहले उसने मंदिर में भगवान की मूर्तियों को भी खंडित किया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोनभद्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मिनी सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों द्वारा 5 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां 5 घायलों का इलाज चल रहा है। घायलों में 8 से 10 वर्ष के 3 बच्चे भी शामिल हैं। CHC के डॉक्टर ने बताया कि 3 बच्चों समेत 5 लोग जले हालत में आए हैं, जिसमें एक 5 वर्षीय बच्चा ज्यादा जला हुआ है, सभी का इलाज किया जा रहा है। किस गांव के हैं? अभी दुधी अस्पताल में आए हैं, काफी लोग हैं। क्या हुआ है? गैस मतलब ऊपर से मतलब लीकेज हो गया, गैस एक एक इसीलिए 4 लोग मतलब घायल हैं। 4 लोग जल गए? चार लोग जल गए। कौन से गांव का मामला है? फीलर गांव है। किसकी शादी? लड़के की शादी? लड़के लड़की का शादी था, मेरा भाई मिंडमगढ़ से आए थे शादी में, बहन के घटना हुआ। वो जब आए थे तो काफी घबराए हुए थे, उनका इलाज यहीं पे CHC में चल रहा है। 4-5 लोग थे, जिसमें एक बच्चा वो थोड़ा सा ज्यादा जला हुआ था, 20% के आसपास उसका बर्न था,
जिसको कि यहाँ पर दवाई करके और मरहम पट्टी जो ड्रेसिंग है वो की गई है और अभी हालत में सुधार है उसके। जो जानकारी बता रहे थे कि गैस जलाने गए थे तभी अचानक से जो है आग लगी, जिसकी चपेट में वो आ गए थे, जिसकी वजह से पूरा। आज आपके घर पे कोई घटना घटी है, क्या मामला? हाँ। क्या हुआ था? आग से जले है गैस से। क्या कर रहे थे सब? सब खाना बनाने के लिए कर रहे थे। कौन कौन थे? पांच थे झारखंड से आए हैं। कहाँ पे आए थे? यहाँ पे जीजा घरे। तो कब हुआ था? कैसी हालत है उनके सबके? सब घायल हैं, दो गो पके, सब सही हैं। ठीक ठीक ठाक है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।